17वें दिन भी हमास के ऑपरेशनल ठिकानों पर इसराइल का हमला जारी है। गाजा पट्टी में अब तक 4,651 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र के बुलढाणा पहुंचा शहीद अग्निवीर का पार्थिव शरीर, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में किया गया था तैनात। लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में लगे पोस्टर, बताया गया देश का भावी प्रधानमंत्री, बीजेपी ने कहा सपने देखने पर किसी को रोक नहीं। जयपुर में ओवैसी का बीजेपी कांग्रेस पर एक साथ निशाना, कहा पीएम मोदी और राहुल गांधी जुड़वा भाई हैं, कांग्रेस का पलटवार, AIMIM बीजेपी की बीटी। राजस्थान में ईडी की रेड पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा राजस्थान में चुनाव जीत रही कांग्रेस, इसलिए हो रही छापेमारी। अमित शाह ने एनसीएल का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है, सरकारी सहमतियों की समितियों की सुविधा के लिए एनसीएल का गठन हुआ है। इसरो ने तैयार किया महिलाओं को अंतरिक्ष भेजने का प्लान, गगनयान मिशन में भेजी जा सकती है महिला पायलट, 2025 तक इसरो का मानव मिशन। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग का बयान, कहा सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से तरक्की नहीं, पढ़ाई सबसे जरूरी है। दिल्ली में AQI लेवल 300 के पार GRAP का दूसरा चरण लागू, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने योजना के लिए की बैठक। बिहार में कानून व्यवस्था पर बोले तेजस्वी यादव, कहा NCRB के आंकड़ों में 23वां स्थान ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, रायपुर उत्तर से विजय गुरुबक्षणी को बनाया उम्मीदवार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन, सीएम ने कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ा करके आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के मैसूर पैलेस में पारंपरिक तरीके से हुई आयुध पूजा, सैन्य हथियारों की पूजा की गई। चेन्नई के मंदिर में दशहरा से पहले हुई आयुध पूजा, मान्यता के मुताबिक शस्त्रों की पूजा की गई है। हरियाणा में दशहरे को लेकर तैयारियां, शालीमार ग्राउंड में 171 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिल्म और वेब सीरीज की हो रही शूटिंग का विरोध, पैंथर्स पार्टी ने किया बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, दस्तावेज लीक मामले में इमरान खान दोषी करार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानें पूरी तरह बंद, अरबों रुपए के कर्ज में एयरलाइंस। इंडोनेशिया में सूखे की मार से फसलों को भारी नुकसान, जम्बराना में 5 महीनों से नहीं हुई बारिश। Z News।